अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। मैं मेरे चैनल शेफ शहनाज में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते का सालन। मैं इसे कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। ये इतने सॉफ्ट बने हैं और फ्राई करते हुए टूटे भी नहीं हैं। आप इसे बकराईद पे जरूर ट्राई करिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो चलिए बनाते हैं कोफ्ते का सालन। कोफ्ते का सालन बनाने के लिए हमें चाहिए खीमा 1/2 kg, दो बड़े साइज की प्याज बारीक कटी हुई, ये हमें फ्राई करने के लिए चाहिए। मसालों में हमें चाहिए मूंगफली 150 ग्राम, खोपरा पाउडर 50 ग्राम, खसखस 60 ग्राम, भुने चने की दाल 30 ग्राम, इसका हमें पाउडर चाहिए, 250 ग्राम दही, एक मीडियम साइज की प्याज, ये हम खीमा पकाते हुए डालेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च। ये 1/2 kg खीमा है, इसमें से हम 250 ग्राम खीमा अलग रख लेंगे। ये 250 ग्राम खीमे को हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे और बचा हुआ जो 250 ग्राम खीमा है इसमें हम ये मसाले डालेंगे। प्याज डालेंगे, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च डालेंगे, सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है, इसे हम एक बर्तन में डालेंगे और इसमें तेल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इस खीमे को गला लेंगे। गैस को ऑन करेंगे, इसे 2-3 मिनट तक ऐसे भून लेंगे, इसमें हम तेल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बस 2 मिनट के लिए ऐसे भून लेंगे। 2 मिनट तक खीमा अच्छे से भून गया है, इसमें पानी डालेंगे और खीमे को अच्छे से गला लेंगे। एक पैन लेंगे, उसे अच्छे से गर्म होने के बाद एक एक करके हम मसाले भून लेंगे। पहले हम मूंगफली भून लेंगे, मूंगफली अच्छे से भून गई है, इसे निकाल लेंगे, इसमें खोपरा पाउडर डालेंगे और इसे भी भून लेंगे। खोपरा पाउडर भी अच्छे से भून गया है, इसे निकाल लेंगे। अब खसखस को भी भून लेंगे। खसखस भी भून गई है, इसे भी निकाल लेंगे। फली को ठंडा करेंगे और इसका कवर निकाल लेंगे। फली का कवर निकालने के बाद एक एक करके हम सारे मसाले पीस लेंगे। सारे मसालों को हम अलग अलग करके ही पीसेंगे। खीमा भी अच्छे से गल गया है, खीमे का पानी हम पूरा सुखा लेंगे। इसमें अभी थोड़ा पानी है, पानी को हम पूरा सुखा लेंगे। पानी को अच्छे से सुखाइए, खीमे में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर पानी इसमें जरा सा भी होगा, हम ऐसे ही अगर खीमे को ग्राइंड कर लेंगे तो फ्राई करते हुए कोफ्ते टूट सकते हैं, इसीलिए पानी को पूरे अच्छे से सुखाइए। पानी अच्छे से सूख गया है, अब हम गैस को बंद कर लेंगे। एक भगोने में हम ऑयल को अच्छे से गरम कर लेंगे
ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल लेंगे। थोड़ी फ्राई की हुई प्याज हम खीमे में डालेंगे, खीमे को ठंडा करेंगे और इसे बारीक पीस लेंगे। पके हुए खीमे को इस तरह बारीक पीस लीजिए। ये कच्चा खीमा है जो हम पहले निकाले थे, इसे भी हम बारीक पीस लेंगे। कच्चे खीमे को इस तरह से बारीक पीस लीजिए। कच्चे खीमे को हम पके हुए खीमे में डालेंगे, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ी पीसी हुई मूंगफली डालेंगे, थोड़ी पीसी हुई खसखस डालेंगे, थोड़ी भुने चने की दाल का पाउडर डालेंगे। इन सबको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम खोपरे का पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। अगर खोपरे का पाउडर हम इस खीमे में डालेंगे तो फ्राई करते हुए कोफ्ते खुल सकते हैं। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसके कोफ्ते बना लेंगे राउंड शेप के। इस तरह से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। सारे कोफ्ते बन गए हैं, कोफ्तों को हम फ्राई करेंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, एक एक करके हम इसमें कोफ्ते डालेंगे और कोफ्तों को डीप फ्राई करेंगे। कोफ्ते फ्राई हो गए हैं, इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं एक भी कोफ्ता टूटा नहीं है। मेरे बताए हुए स्टेप फॉलो करिए, इंशाल्लाह आपके भी कोफ्ते ऐसे ही बनेंगे। एक बोल में दही डालेंगे, पीसी हुई फली का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई खसखस डालेंगे, पीसा हुआ खोपरा, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, नमक, मिर्ची, हल्दी, गरम मसाला। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई, इसे पका लेते हैं। प्याज फ्राई की हुई तेल में ही हम दही और मसालों को डालेंगे। दही और मसालों को हम थोड़ी देर भूनेंगे। मसाले अच्छे से भून गए हैं, इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के हम इन मसालों को अच्छे से पकाएंगे। मसाला अच्छे से पक रहा है, इसमें एक नींबू का जूस डालेंगे और इसे 10 मिनट तक पका लेंगे। मसाला अच्छे से पक रहा है, इसमें फ्राई की हुई प्याज डालेंगे। प्याज भी अच्छे से पक गई है, इसमें एक एक करके कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते डाल के हम इसे ज्यादा देर नहीं पकाएंगे, 2-3 मिनट तक ही पकाएंगे। तीन मिनट हो गए, कोफ्ते भी अच्छे से पक गए। गैस को हम बंद कर देंगे और डिश आउट कर लेंगे। इसमें हम पहले कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते का सालन डालेंगे।
फ्राई की हुई प्याज डालेंगे। थोड़ा कोथमीर पुदीना डालेंगे। माशाल्लाह कोफ्ते का सालन रेडी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।